पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 56 देशों को इकट्ठा करेंगे और भारत के खिलाफ कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। भारत ने भी जवाब दिया है। एक संस्था है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके अंदर 56 देश शामिल हैं। और क्योंकि कश्मीर के अंदर मुस्लिम रहते हैं, इसीलिए ये कश्मीर का मुद्दा वहां पर उठाने की बात कही गई है। हालांकि इसमें दम कितना है वो जान लेते हैं। OIC का ये जो सेशन है ये पाकिस्तान के अंदर होस्ट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सेक्युलर कंट्री नहीं, एक इस्लामिक कंट्री है, और यहां पर उन्होंने हुर्रियत को बुलाया है। इसके जवाब में इंडिया ने कहा है कि इन जो टेररिस्ट एक्टर्स को OIC के अंदर बोलने की अनुमति दी जा रही है, ये बहुत ही गलत परंपरा है। वैसे देखा जाए तो OIC एक सांप्रदायिक संस्था है, क्योंकि एक ही संप्रदाय के लिए ये बनी है। उनकी गलतियों के बारे में यहां पर चर्चा नहीं होती, मगर उनके खिलाफ जो करते हैं उनकी ही यहां पर चर्चा होती है। भारत के अंदर हुर्रियत एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये चाहती है कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए। यहां पर भी बहुत दोगुलापन है। इस बात को समझिए कि हुर्रियत वाले बोलते हैं कि हमें अलग कंट्री चाहिए, मगर वो साथ ही के अंदर पाकिस्तान में मिलने की बात करते हैं, यानी कि उनको अलग कंट्री नहीं चाहिए। ब्रिटिश इंडिया के समय क्या हुआ था कि भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे। भारत के अंदर से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, केवल और केवल संप्रदाय के हिसाब से बना हुआ ये स्टेट था। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एक पार्टी थी और उसने ये धर्म के नाम पर देश के तोड़ने की स्वीकारता भरी। साथ ही के अंदर कुछ और प्रोविंसेस भी थे जिनको बोला गया कि आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, आप चाहें तो इंडिया के साथ चले जाएं, और कश्मीर इंडिया के साथ में आ गया बहुत सारी अलग प्रोविंसेस के साथ। ये बात पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स के अंदर नहीं है, मगर बाकी जो 56 कंट्रीज में से 55 बची हैं उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि ये कश्मीर के कागज भारत के पास हैं, पाकिस्तान के पास नहीं है। हुर्रियत का जो चीफ है ये पैसे खाकर पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए पकड़ा गया था और इसलिए इस समय ये जेल के अंदर बंद है। यानी कि इसको OIC के अंदर पहुंचने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है क्योंकि जेल के अंदर है, मगर इसकी संस्था के अंदर इसकी तरफ से कोई ना कोई जाएगा। ये बात जो है OIC के अंदर कई देशों को पसंद नहीं आ रही, और देखा जा सकता है कि मोरक्को और इंडोनेशिया ये कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर नहीं पहुंच रहे। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इंडोनेशिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री है और मोरक्को वो जगह है जहां पर IOC की शुरुआत की गई थी। हुआ ये था कि OIC की शुरुआत की गई थी मोरक्को के अंदर, और मोरक्को के अंदर किसलिए की गई थी, इसका एक ही कारण था, सबसे बड़ा कारण अलक्सा मॉस्क। अब समय के साथ क्या होता है कि OIC जो कि मोरक्को के अंदर बनी थी वो खुद ही इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक टाइज को एस्टेब्लिश कर लेता है और इस साल इसकी सेकेंड एनिवर्सरी आ जाएगी। यानी कि जिस वजह से जिस कंट्री के अंदर OIC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो मूलभूत उनका प्रिंसिपल था, वो शायद अब भूला जा रहा है। इसके साथ ही क्या होता है, OIC को सऊदी अरेबिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है, और आप देख सकते हैं कि इजराइल के साथ में सऊदी के रिलेशंस बहुत बढ़ चुके हैं। इतने बढ़ चुके हैं कि वो ईरान के विरुद्ध इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी का साथ ले रही है, यानी कि एक मुस्लिम कंट्री के खिलाफ उस कंट्री का साथ ले रही है जिसकी वजह से OIC बना था। 2019 के अंदर न्यूजीलैंड में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। एक भटका हुआ नौजवान मस्जिद के अंदर घुसता है और कई सारे लोगों को गोली मार देता है। बहुत ही गलत घटना थी, सब विरोध करते हैं, सब कहते हैं कि भटके हुए नौजवानों को रस्ते पे लाने के लिए जरूरी है कि उनको पढ़ाया लिखाया जाए। ये बात OIC पर भी लागू होती है। OIC जो काम करता है उसका पता उसकी वेबसाइट से पड़ जाएगा कि ये अलग अलग समय पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि इस्लाम का जो कंडीशन है पूरे वर्ल्ड में कैसी है, इसके खिलाफ कुछ हो तो नहीं रहा। कभी मंथली और कभी ईयरली इनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, मगर उन रिपोर्ट्स के अंदर क्या लिखा होता है, बिल्कुल एक तरफा चीजें लिखी होती हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या लिखा है वो देखिए। पूरे विश्व भर के अंदर जो भी होता है उसको ISP करके एक प्रीफिक्स देते हैं, इसको लगता है शायद इस्लामोफोबिया का एक प्रीफिक्स है, और हर एक घटना का यहां पर जिक्र होता है। जर्मनी के अंदर क्या हुआ कि एक मस्जिद के शीशे फूट गए, किसने फोड़े पता नहीं, मगर इसको भी बोला गया कि ये इस्लामोफोबिया का एक इंडिकेटर है। नॉर्थ अमेरिका की एक रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है कि एक मानसिक रूप से विषक्त महिला है जिसने यहां पर कचरे को आग लगा दी, इसको भी इस्लामोफोबिया के अंदर काउंट किया गया। भारत की तो इसके अंदर रिपोर्ट होनी है, और भारत के अंदर क्या रिपोर्ट हुई है भारतवासी समझिए। यहां पर एक रिपोर्ट डाल रखी है कि बेंगलुरु के अंदर एक पुलिस वाले ने एक मुस्लिम को पकड़ा और उसको मारा पीटा और उससे पैसे की डिमांड की, यानी कि ये इस्लामोफोबिया है। दो दिन के बाद में जब OIC कश्मीर का डिस्कशन करेगी, उससे पहले पूरे विश्व भर के अंदर कश्मीर फाइल्स धूम मचा रही है। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो कि पाकिस्तान का पूरा रोल दिखाती है, कश्मीर के अंदर किस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम्स को भड़काया और मॉस्क के अंदर पाकिस्तान के एजेंटों ने किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ कई सारे बयान दिए। यहां पर एक और चीज है जिसको OIC को समझना चाहिए कि इस्लामोफोबिया का असल में पीछे कारण क्या है। FBI जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, यहां पर आप अगर जाएंगे तो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट मिल जाएगी। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मगर जब आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उससे उसके धर्म का पता चलता है।
है, जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर अनरेस्ट आता है। अब होता क्या है कि 2-4-5% हर कम्युनिटी के अंदर, हर संप्रदाय के अंदर गलत लोग निकल आते हैं जो कि कम्युनिटी का नाम खराब करते हैं। ओएसए की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो यहां पर आपको हजार तरीके की चीजें मिल जाएंगी कि मुस्लिम्स के ऊपर क्या हो रहा है, मगर मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं इसके बारे में कहीं नहीं मिलेगा। साथ ही के अंदर इनके अंदर जो भटके नौजवान हैं उनको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। अब ओएसए कंट्रीज जो पाकिस्तान बुला रहा है उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड की तो हद हो गई। चाइना के विदेश मंत्री को वहां पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जा रहा है, वही चाइना जो कि मुस्लिम्स के बारे में अलग अलग जगह से बायकॉट झेल रहा है और पूरे विश्व के अंदर इस बात का डंका बज रहा है कि ऐसा जो कंट्री कर रही है वो तो पूरा विश्व कर ही नहीं सकता। अब ये जो 56 कंट्रीज हैं जो ओआईसी का दम भरती हैं और कई सारी गतिविधियां करती हैं जिनके बारे में आपको पता पड़ा, वो अगर हुर्रियत को बुला भी लेते हैं तो इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला लगता नहीं। भारत की तो संस्कृति ये सिखाती है कि अपने बच्चों को गलत काम करने से रोको, किसी को परेशान करने से रोको, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दो ताकि कुछ डेवलपमेंट हो तुम्हारे देशों के अंदर भी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।